Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. Hello guys, मैं संदीप कुमार. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी इंडिया की नंबर वन कंपनी फ्यूचर मेकर के डिस्ट्रीब्यूटर है और फ्यूचर मेकर कंपनी से जुड़े हुए हैं. दोस्तों आज जो है 28 जनवरी आज हिसार के मामले के अंदर जो सुनवाई हुई है और उसको देखते हुए दोस्तों जो है आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी खुशी की खबर है कि जो मामला है बहुत ही कुछ दिनों में जो है फारिग होने वाला है, यानी इसका जो है निर्णय आने वाला है. आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जैसे कि आज हिसार के एक मामले से हमें ऑलरेडी पहले से ही जमानत मिली हुई है. जो जमानत हमारी पेंडिंग है तेलंगाना के मामले से है. पीडी एक्ट लगने की वजह से जो तेलंगाना का मामला थोड़ा विचाराधीन है और वहां से काफ़ी टाइम लग रहा है. लेकिन दोस्तों आज हिसार के अंदर सुनवाई की जो रिपोर्ट देखी जाए, जो मैंने विशेषज्ञों से खबर मिली है, जो मैंने वहाँ से बात की है बाबे मैन बंदों से, तो वहीं से मेरे को रिपोर्ट मिली कि हिसार का मामला अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और बहुत ही जल्द हिसार के मामले पे जो निर्णय भी आप लोगों के सामने आने वाला है. तो दोस्तों आप लोगों को हिसार या फतेहाबाद के मामले से बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं. ये मामले बिल्कुल जीरो लेवल के मामले हैं. इनको देखा जाए तो इन मामलों का जो है पक्ष में आने वाला है, हमारे पक्ष में आने वाला है इन मामलों का जो निर्णय है. लेकिन दोस्तों तेलंगाना मामले के बारे में मेरे को उचित रिपोर्ट ना मिलने की वजह से वहाँ पे मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि तेलंगाना का मामला कब फारिग होगा. बस इतना कह सकता हूँ कि दोस्तों बहुत जल्द ही तेलंगाना का मामला भी निपटा लिया जाएगा. जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर मेकर एक जो है ट्रस्टेबल कंपनी है हमारी. हमारा इस कंपनी पे काफ़ी ट्रस्ट बना हुआ है और इसी ट्रस्ट को देखते हुए दोस्तों ये काफ़ी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने पिछले 4 या 5 महीनों से जो हमने इंतज़ार किया है, जो हमने शांति रखी है और उसी की बदौलत की वजह से जो आज मामले आ रहे हैं छोटे मोटे कैसे के हमारे पक्ष में आ रहे हैं. क्योंकि जो हम डिस्ट्रीब्यूटरों की एकता को देखते हुए जो है कानून को भी हमारे सामने मजबूर होना पड़ेगा और हमारी कंपनी को चलने पे जो है हम मजबूर कर देंगे. दोस्तों हम हमारी कंपनी को चलने के लिए जो अपना योगदान दे सकते हैं वो सिर्फ शांति और सहयोग से योगदान दे सकते हैं. क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी शरारती लोगों को देखा है जो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह से अफवाहें फैला के आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. कुछ लोगों का यही कहना है कि फ्यूचर मेकर कंपनी कभी नहीं चलेगी. कुछ लोगों का यह कहना है कि फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD ने धोखा दिया है. लेकिन दोस्तों उन बातों को खारिज करते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे राधेश्याम जी को अगर धोखा देना होता तो वह दूसरे लोगों की तरह विदेश भाग चुका होता है. यानी कई कंपनियां पहले भी बंद हो चुकी है और फ्यूचर में करके कई लोग भी विदेश भाग चुके हैं. तो राधेश्याम भी विदेश भाग सकता था, उनके सामने ऑप्शन था, उनको पहले से ही पता था, तो वो भाग सकते थे अगर उनको हम लोगों को धोखा देना होता. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो हमारे साथ बने हुए हैं. उन्होंने हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया है. कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रहे राधेश्याम जी, तो हमें भी राधेश्याम जी का साथ देना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग देना चाहिए. और इस मामले को जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक हमें जो शांति के साथ अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए आने वाली हर तारीख पर जो हमें निर्णय का वेट करना चाहिए. दोस्तों मानते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती है, इसके अंदर नहीं तो हमारी फ्यूचर मेकर कंपनी का दोस्त है, नहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों का दोस्त है, नहीं हमारे CMD राधेश्याम जी का दोस्त है. इसमें दोस्त है तो हमारी कानूनी प्रक्रिया का जो स्लो मोड पे चलती है. जैसे कि आपने देखा कि दोस्तों आज तक बड़े से बड़े मामले हैं, चाहे राम मंदिर लगा लो, चाहे बाबा राम रहीम का मामला लगा लो, चाहे साध्वी यौन शोषण का मामला लगा लो, चाहे पत्रकार हत्या का मामला लगा लो, सभी मामलों का जो निर्णय है काफ़ी सालों के अंदर आया है. आप अच्छी तरह से जानते हैं मामले का निर्णय होने के 10 से ज़्यादा साल लग गए हैं. तो दोस्तों ये बड़ा ही डिसएडवांटेज है कि इंडिया के कानून के अंदर, भारत के कानून के अंदर काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी कछुआ चाल चल रही है. लेकिन दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे फ्यूचर मेकर का कंपनी का मामला कब तक चलेगा, कब तक निर्णय आएगा. लेकिन दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि राधेश्याम जी ने धोखा नहीं दिया है. क्योंकि मैं सीसवाल के गांव के आसपास का रहने वाला हूं तो मुझे पता है कि राधेश्याम जी कैसे इंसान है, कैसे वो सच्चाई के साथ आज आगे बढ़े हैं, कैसे उन्होंने जो है एक गरीब फैमिली से ऊँचे उठ के आज वो फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD है. किस वजह से? हमारी वजह से, अपने जो है योगदान की वजह से, अपने जो सच्चाई की वजह से, अपने जो कर्तव्य की वजह से आज वो इस मुकाम पे है. और काफ़ी लोग उनको नीचे गिराने के लिए ये साजिश रची है, ये भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं. तो दोस्तों हमें उनका सहयोग देना चाहिए.
दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों राधेश्याम जी जो है हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान है, उन्हें आसपास के लोगों को जो है बेरोजगारी देखी, कुछ दूसरी दलाली कंपनियां हैं उनके जो काम करने के तरीकों को देखा, वो किस तरह से लोगों को लूटते थे, किस तरह से लोगों को जो है धोखा देते थे, इस चीज़ को उन्होंने कम करने के लिए अपनी कंपनी की नींव रखी और कंपनी हमारी अच्छी तरह से चल भी पड़ी थी, हमारे अच्छे दिन आ भी गए थे। लेकिन दोस्तों मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है, दूसरी कंपनियां जलने वाली बहुत होती है, उसी तरह ये जो एक साजिश रची गई इसके तहत हम फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों जो होता है कि धीरे धीरे चलने से शांति रखने से मुकाम जरूर हासिल होता है, उसी तरह हम इस दलदल से बाहर जरूर निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों जो जी जान से लगाते हैं, अपने दिल से सहयोग करते हैं, उनकी भी कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, मरते दम तक कोशिश करेंगे जरूर एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम सच के साथ हैं, हम सच के साथ हैं, हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हमें सहयोग करते रहना चाहिए और ये मामले ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसी तरह दोस्तों हमारी कंपनी चलने के जो है देर तो ज़रूर है लेकिन जो अंधेर बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारी कंपनी जरूर चलेगी। चाहे कुछ भी करना पड़े राधेश्याम जी को, राधेश्याम जी जरूर कंपनी चलाएंगे, चाहे उन्हें बाहर आने में कितना समय लगे, एक बार वो बाहर आ जाएं उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी 100% जरूर चलेगी। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो के अंदर ऐसी कमेंट मत करें जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिल पे आहत लगे या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को निराशाजनक करें। आप लोग कृपया पॉजिटिव ही कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पता है, मैं मानता हूँ कि निर्णय लेने में टाइम लग रहा है, कानूनी प्रक्रिया में टाइम लग रहा है। इसी बीच कुछ लोग जो नहीं तो फ्यूचर में अगर कंपनी से हैं वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो लोग मज़े लेने पे लगे रहते हैं, स्वाद लेने पे लगे रहते हैं कि ऐसे हो गया। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से 300 गज की दूरी बनाए रखनी है। किसी महान आदमी ने कहा है कि 100 कोस सांड से, 200 कोस जो है रण से, और 300 कोस ऐसी बाहरी बूटों से दूर रहना चाहिए। आप अच्छी तरह समझ गए हैं, तो हमें इन लोगों से 300 कोस की दूरी बनाए रखनी चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को करारा जवाब भी देना है कि हम तो हमारे राधेश्याम जी के साथ हैं। दोस्तों एक बार हम सभी को अपने पैसों को भूलना होगा, आप अपने पैसों को भूल के थोड़ा उससे ऊपर आइए, राधेश्याम जी के बारे में सोचिए। हम तो हमारे घर पे बैठे हैं, कम से कम हमारा तो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस इंसान का आज क्या क्या छूटा है, घर परिवार से दूर वो आज हिरासत में है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो हमें तो सिर्फ छोटा सा शोक करना है, बाकी काम तो राधेश्याम जी खुद ही कर रहे हैं, वो उनके वकील कर रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द कंपनी भी चलेगी, ये दोस्तों हमारा वादा है आपसे। और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों मैं किसी कंपनी का दलाल नहीं हूँ, नहीं तो मैं किसी कंपनी का समर्थन करता हूँ। मैं यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा हूँ फ्यूचर मेकर के बारे में, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं राधेश्याम जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ दे रहा हूँ। उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो भलाई के काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने बिना किसी धोखे के साथ वो आगे बढ़े हैं, उसी वजह से आज मैं जो ये धीरज की वीडियो, ये मोटिवेशन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि राधेश्याम जी मेरे परिचित है, मेरे पड़ोसी है, तो उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसी वजह से दोस्तों जो उन पे लगे इल्ज़ाम है उनको मैं निराधार बताता हूँ, और जो है हमारा कानूनी भी हमारा सहयोग करेगा और बहुत ही जल्द जो निर्णय होगा हमारे ही पक्ष में आएगा, हम जरूर जीतेंगे। बस आप लोगों को शांति के साथ आगे बढ़ना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, दुश्मनों को कड़ा जवाब देना है। तो दोस्तों वेट कीजिए उचित समय आने का, उचित समय आएगा, हमारी विजय जरूर होगी। आप लोगों का क्या कहना है जरूर हमारी वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से दिल लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर डिस्ट्रीब्यूटर तक हमारी वीडियो पहुँच पाए। और दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट खबर आती है तो सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो कम क्यों बनाता हूँ, दोस्तों क्योंकि वीडियो मैं उसी दिन बनाता हूँ जब
हमारे कोर्ट के अंदर कोई तारीख होती है, कोई निर्णय आना होता है, बेफालतू की वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। हमारी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, हफ्ते में 10 दिन में आपको हमारी वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो हमारी वीडियो के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा और आपको जो मैं पल पल की रिपोर्ट देता रहूँगा कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ है दोस्तों। जिस दिन तारीख होती है उसी दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती है और वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आप हमारी वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ रोचक सोशल इशू के साथ में, मुद्दों के साथ में। रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।